क्यों बैठे थे गाड़ी के अंदर? डर लग रहा था। क्या क्या डर लगा? मैं उड़ गया तो। Hey guys, good morning. Welcome back to my another video. आज की स्टार्टिंग हो रही है साइकिल से। आज मैंने साइकिल निकाल ली। मैं सोचो पैदल पैदल बहुत दिन चल चुके, 3 दिन पैदल चल चुके, अब 3-4 दिन साइकिल चलाते हैं। मॉर्निंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी और बहुत दिनों से, 1 साल से कम साइकिल पड़ी थी, तो वो भी मुझसे कह रही थी कि तुम मुझे क्यों नहीं चला रहे हो। आज फाइनली उसको भी निकाल लिया, तो चलते हैं बगला और कौवा से मिलने। दोस्तों पहुंच गए बगला की सभाओं में। ये देख रहे हमारी लाइन से आज भी सब बैठे हुए हैं। इन लोगों की पंचायत लगी हुई है। पहले हम लोग साइकिल से ही स्कूल जाया करते थे जब छोटे थे, और मतलब कहीं भी हम लोग की साइकिल इतनी ज़्यादा वो थी कि मुझे याद है कि मैं 7th या 8th में था और मेरे फ्रेंड लोगों के पास साइकिल थी लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं थी। तो कई बार मैं पापा से साइकिल के लिए लड़ गया कि मुझे साइकिल चाहिए। पापा ने साइकिल दिलाने के लिए ऑप्शन दिया। उस टाइम हम लोग के घर में टीवी नहीं था, तो पापा ने कहा टीवी लेनी है तुम्हें या साइकिल लेनी है। तो हमें टीवी का कोई ख़ास शौक नहीं था, तो मैंने कहा पापा नहीं टीवी नहीं लेनी है, मुझे साइकिल लेनी है। तो पापा ने उस टाइम हरकुलिस एक्सन एक साइकिल आती थी, मेरे ख्याल से 1000-1200-1200 रुपये की थी, तो पापा ने हमें वो दिलाई। तो उस टाइम मतलब सोचिए साइकिल का कितना क्रेज़ था, हम लोग साइकिल से कितने कितने किलोमीटर चले जाते थे। मुझे याद है कि बहुत बहुत दूर मतलब 15-15-20-20 किलोमीटर हम लोग साइकिल से डेली अप डाउन रोज करते थे। लेकिन आज घर में साइकिल भी है, सब कुछ है, लेकिन चलाते ही नहीं है। ये देखिए करवट, कैसी करवट। ओ मॉर्निंग की शुरुआत हो गई साइकिलिंग से। अब जा रहे हैं पेपर पढ़ने और गरम गरम पानी तो पी चुके हैं, चाय। मैंने रेगुलर मेरे ख्याल से 1 साल तो बॉडी बिल्डिंग की नहीं, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। 1 साल मैंने बॉडी बिल्डिंग की अच्छी थोड़ा बहुत मेंटेन भी कर लिया। ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड वीडियो जो है वो भी मैं इसी में डालता रहता हूँ। तो आज आयोनिक 5 हुंडई की लॉन्च हो रही है, मेरे शोरूम पे आ रही है, तो आज इसके वीडियो में बनाऊंगा। दिस इज ब्लैंकेट, दिस इज ब्लैंकेट नहीं, दिस इज उजड़ा चमन। और तुम इसको सही करोगी? करो ना। तुम बस मोबाइल के कैमरा जो है ना ये इधर उधर घूमते रहो। और मैं हूँ, मैं पैदाइशी करवट हूँ। तो करो ना काम को, क्यों नहीं कर रही हो? लेकिन तुम्हारे जैसे लोग काहिल पे काहिल होते जाए, इससे अच्छा उनको कुछ काम कराना चाहिए। क्यों काम, हम लोग काम करते हैं, काम हम लोग करते हैं, दिखता नहीं क्या? अपना TPI बनाने के लिए तुम मुझे यूज कर रहे हो। अपना TPI तुम्हें यूज कर रहे हैं? मुझे यूज कर रहे हैं। TPI का फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म बताओ बड़े यार, फुल फॉर्म। गाइस इतने जल्दी निकले हैं आज, लेकिन आज फिर से देर हो गई है। 10:30 बजने वाले हैं, मेरा 10:15 का ऑफिस है। इस हमारे शोरूम पे आयोनिक 5 आ गई है। मैं इसका आपको फर्स्ट लुक दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन तुम साफ करना चाह रहे हो? पहले तो साफ करते रहो, हम दिखा दे पहले। लुक वाइज कार ठीक है, अच्छी है, ठीक ठाक है, क्योंकि 50 लाख रुपए की करीब रेंज पे है, 55 लाख रुपीज़ की, 45 समथिंग एक्स शोरूम कॉस्ट है। तो फिलहाल अभी देखते हैं, आज लॉन्चिंग होगी इसकी, कैसे ये ऊपर आती है भगवान जाने, क्योंकि शोरूम पे तो ये चढ़ नहीं पा रही है। सारी कार अल्कज़ार टूसॉन तो सब चढ़ जाती है, पता नहीं ये क्यों नहीं चढ़ रही है। क्या करना चाह रहे हो, क्या उनसे फीचर समझना चाह रहे हो? बूम वाला फीचर, ये बूम, ये क्या है? ये बूम है, इसमें NOS लिखा हुआ है वाला फीचर है क्या ये? और क्या क्या फीचर्स है मिस्टर प्रखर जी? अरे मुझे तो देखने दो। और क्या ये कार इतनी तेज भागेगी कि तुम हेलमेट लगा के बैठे हो? फाड़ कर देगी, फाड़ के। गाइस एक कार का फ्रंट लुक देखें, हेडलाइट देख रहे हैं, ओफ गजब। और 4-6 लोग लगे हुए हैं इसको समझने के लिए, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा है। हेलमेट लगा के क्यों बैठे थे गाड़ी के अंदर? डर लग रहा था। क्या डर लगा? मैं उड़ गया तो। अच्छा। I don't know about this car. क्या कार है? कार नहीं, हाहाकार है। कार नहीं, हाहाकार है।
हुआ दोस्तों ये कि सुबह से ये दो बुकिंग फाइल चढ़ा चुके हैं। तो फ्रेंड्स इन्होंने भी कल एक बुकिंग करी थी, तो जो ये बहुत साइलेंट टाइप किलर है, ये बहुत चुपके से छुआ देते हैं। साइलेंट करी है, किलर की बात नहीं है। अब यही है, देखिए यही हम एक वीडियो में आप लोग को समझा रहे थे कि ये सेल्स की लाइन में यही होता है कि ये बुकिंग कर लिए तो हमारे कैसे कर लिए, और हमने अगर दो बुकिंग कर ली तो ये कैसे कर लिए, यही चलता रहता है। और आप कितनी डिलीवरी पे हैं, कितनी कर चुके हैं, कितनी आपकी पाइपलाइन में है, ये सब भी बहुत हम लोग एक दूसरे का देखते हैं। एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि ये जो गोला है इससे हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, ये गोले में ही पड़े हुए हैं। बुकिंग डिलीवरी, एसी हीटर पावर स्टेयरिंग, बस ये तो ये हमारे लोग का हाल नहीं है, जितने भी प्राइवेट नौकरी सबका हाल है ना। प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, सब अपनी ज़िंदगी भूल गए, कुछ लाइफ और भी है, लाइफ में और कुछ भी है, लाइफ में क्रिकेट खेलना है, लाइफ में घूमना है, लाइफ में और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, मूवी देखना है, फैमिली को टाइम देना, वो सब भूल चुके हैं। बस केवल आप, जैसे हम लोग इस जॉब में हैं तो एसी हीटर पावर स्टेयरिंग, और तुमने कितनी बुकिंग कर ली, मैंने कितनी बुकिंग कर ली, लेकिन साथ में आप एक दो घंटे अपने लिए भी दीजिए कि बिल्कुल जो आपकी हॉबी हो, आपको मूवी देखना पसंद हो, आपको घूमना पसंद हो, आपको कुछ भी, जैसे मुझे वीडियो बनाना पसंद है, इनको बियर पीना पसंद है। भाई निकल चुके हैं ऑफिस से, आज देर भी हो गई, 8 बज गया है, और शिवांगी बहुत देर से वेट कर रही है, आधे घंटे से हो गया उसके खड़े खड़े। आज उसके घर जा रहे हैं हम लोगों को किसी काम से, तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं उसके घर। मैं मॉर्निंग में इसी चौराहे की बात करता हूँ, हमेशा यहाँ पे जाम लगता है। बहुत से लोग जो लखनऊ के होंगे उनको पता होगा कि नहरिया ये कहते हैं अवध चौराहा, और सच बताएं यहाँ पे बहुत तगड़ा जाम लगता है। 15-20 मिनट हो गए इसको खड़े हुए, कितनी देर से खड़ी थी? गाइस निकल चुके हैं हम लोग इनके घर से, और पापा ने हमेशा की तरह हमें रुपये पकड़ा दिया है, जो मेरे चेहरे खुशी दे सकते हैं, और इनको रुपये पकड़ा दिया है तो इनके चेहरे पर देख रहे हैं खुशी कितनी है। गाइस बज रहा है रात के 10, डिनर मेरा हो गया है, ठंड बहुत ज़्यादा, और ये खाना खाने के बाद ठंड लगती भी है, तो इसलिए हीटर चला के बैठे हुए हैं। अब जा रहे हैं वीडियो एडिट करने। आपको वीडियो कैसा लगा? चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।